आनकर बड़ा कष्ट हुआ, सबको विदा कर दिया गया। अब कृष्ण बलराम वहीं रुक जाते हैं। कृष्ण सांदीपनि जी के विद्यालय जाते हैं, वहां उनका अध्ययन होता है, लौटते हैं, अपना धीमे धीमे समय आगे बढ़ता रहता है, अपनी सज्जताओं को कार्यों को करते रहते हैं, विभिन्न विभिन्न कार्यों में अपने आप को लगाए, आनंद के साथ चल रहे हैं। एक बार की घटना है कि श्री कृष्ण के पास उद्धव जी को भेजा गया। उद्धव, आजकल कृष्ण कुछ खोया खोया रहता है, जाकर देखो, हम तो माता पिता हैं पर तुम तो मित्र हो, जरा पता करो क्या कहानी है। उद्धव जी के पास इतना ज्ञान था कि पूछो नहीं, बृहस्पति जी के शिष्य थे। तो उद्धव जी कहते हैं, अभी 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 चिंता मत करो, बिल्कुल बढ़िया, खिलखिला के वापस कर दूंगा आपको। उद्धव जी जाते हैं, उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण क्या हुआ, क्या कारण है, आखिर तुम्हारी इस स्थिति को, तुमने ऐसी स्थिति क्यों बना रखी है। कृष्ण कहते हैं कि देखो, दरअसल बात यह है कि मुझे ब्रज की याद आ रही है। बोला मतलब? बोले मुझे वो सब याद आते हैं, माता यशोदा याद आती हैं, नंद बाबा याद आते हैं, मुझे एक एक जन याद आता है, और सच बात कहूं गोप याद आते हैं, गोपियां याद आती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैं उनके वियोग को सुनता हूं, मुझे ऐसा लगता है मेरे कानों में आवाजें बज रही हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, कृष्ण आ जाओ। उद्धव कहते हैं, क्या चाहते हो? बोला तुम जाओ, ने ज्ञान दे आओ कि भाई छोड़ो ये सब, ठीक है। उद्धव ने कहा, अभी गया अभी आया। भगवान ने कहा, सुनो, रूप मेरा धारण करना, रथ मेरा लेना। बोला क्यों? बोला तू जाने का पता पड़ जाएगा। उद्धव गए, उद्धव ने जाके जब देखा कि लोग सिर्फ कृष्ण के रूप के वजह से उनसे चर्चा कर रहे हैं, बाकी कोई मोह नहीं है किसी का किसी से, कृष्ण समझ गए, उद्धव समझ गए, यहां कुछ ज्यादा ही ज्वर फैला हुआ है, कुछ गड़बड़ ज्यादा है। उद्धव धीमे धीमे नंदरानी के पास गए, नंदरानी के वियोग और विरह को देखा, रोती कलपती गईयों को देखा, रोते कलपते गोप और ग्वालों को देखा, और उनको देखकर लगा उद्धव को, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और तब पूरी रात यशोदा जी से कृष्ण गाथा सुनते सुनते भोर हुई, और भोर में उन्होंने कहा कि मुझे श्री जी से मिलना है, श्री राधा जी से मिलना है, उन्हें भी कुछ संदेशा देना है। पहुंचे, नंदरानी ने व्यवस्था की, जाओ भैया देख कर आओ, मिलकर आओ, और वो पहुंचे। वहां जाकर देखा निकुंज में तो एक भंवरे के साथ वार्तालाप चल रहा है, श्री जी का और उनके अष्ट सखियों का, तू भी काला वो भी काला, तू भी रस चूस के भग जाता है, वो भी हृदय के पूरी तरंगों को, पूरे रस को लेकर चला गया, तू भी बार बार दर्शन लेता है दूर चला जाता है, वो भी दर्शन देके दूर चला गया। इस तरह की चर्चा चल रही है, और इस तरह की चर्चा को बड़े प्रेम से वो कर रही है, मगर यहां किसी अवस्था में ये उद्धव बैठा है, ये हो क्या रहा है यहां? ज्ञानी व्यक्ति को समझ नहीं आता प्रेम प्रेम, तो अपने ज्ञान की भाषा समझता है, लेकिन प्रेम गली अति सांकरी जाम है, दो ना समाए, या तो प्रेमी होगा या ज्ञानी होगा, नहीं आएगा समझ में। श्री राधा जी को संदेशा दिया, राधा जी देख रही हैं, द्रवित तो हो गई, गोपियां रोने लगी कृष्ण के नाम से, सब रो रहे हैं, सबको रोता देखा, जब उतरे थे आए तो सब रो रहे थे, जहां देखो सब व्यक्ति रो ही रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है। आज पहली बार लगा उद्धव को, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत
मनमोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की।